जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया से संबंधित डिटेल्स में सारी जानकारी पहले दे चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके देख सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे कोई एक अच्छा टीचर जब तक एग्जाम नहीं हो जाता अपने बच्चों के, शिष्यों के, स्टूडेंट्स के पीछे लगा रहता है, ऐसे मुझे भी लगता है कि अक्षय तृतीया का इतना अच्छा पर्व है कि आप अगर डिटेल में नहीं कर सकते तो शॉर्टकट में कैसे आप करें, इसका पूरा लाभ लें, वही मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इस दिन हमें पवित्र नदियों में जाकर स्नान करना चाहिए। हम नहीं जा सकते हैं लॉकडाउन के कारण, तो अपने घर में सामान्य स्नान किया, उसके बाद बाल्टी में दो बूंद गंगा जल अथवा किसी भी पवित्र नदी का जल अर्पण किया, उसमें और जल मिला के स्नान कर लिया, उसके बाद में अच्छे वस्त्र इत्यादि धारण कर लिए, भगवान की अपने विधिवत सेवा की। हाँ, घर का जो मंदिर वगैरह है वो एक दिन पहले हमें साफ सुथरा कर देना चाहिए, उस दिन अपने भगवान जी को विशेष करके सजाना चाहिए, अपने हाथों से बनाया हुआ उनको भोग लगाना चाहिए और उनकी आरती विशेष करनी चाहिए, पूजा करना चाहिए, परिक्रमा करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे परिवार मिल करके प्रातः दोपहर संध्या में संकीर्तन करना चाहिए भगवान के नाम का, जिस नाम में आपकी रुचि हो उसमें भी नारायण राम कृष्ण इत्यादि के नाम का जाप करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। इस दिन व्रत रहना चाहिए। व्रत अगर हम नहीं रह सकते हैं किसी भी कारण से तो लहसुन प्याज कांदा कुंदरू मसूर की दाल ये सब नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए और पूरा दिन भगवान के नाम का, सुबह जगने से लेकर सोने तक मल मूत्र के समय को छोड़ करके बाकी हर काम करते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम दिन है। इस दिन हमें सत्कर्म अधिक से अधिक करना चाहिए। अपने आचार्य पुरोहितों को लॉकडाउन के कारण घर नहीं बुला सकते हैं पर उनको अगर आप संकल्प दे देंगे, मानसिक संकल्प भी दे देंगे कि गुरुजी हमारे लिए आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का 11 पाठ अथवा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अथवा किसी भी देवी देवता का जिसके प्रति आपके मन में आसक्ति हो, अनुरक्ति हो, उनके मंत्रों का जाप कराइए, ये अनंत गुना फलदायी होता है। दूसरी बात, ये भी नहीं कर सकते तो स्वयं पूजा कीजिए, जाप कीजिए। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। घड़ा और फल इत्यादि दान के बारे में तुम्हें बता ही चुका हूँ। बंधुओं, जैसे पूजा करते समय जो सामग्री हमने प्रयास किया नहीं मिला उसके स्थान पर हम चावल अर्पण कर देते हैं, ऐसे दान में जो सामग्री हम घर पे नहीं ला सकते हैं अथवा नहीं भेज सकते हैं तो उसके निमित्त जो है दक्षिणा का प्रावधान है, तो उसके निमित्त आप दक्षिणा दे सकते हैं। जो भी आपके आचार्य जी हैं, पुरोहित जी हैं, पुजारी जी हैं, ज्योतिषी जी हैं, धर्म मार्गदर्शक हैं, गुरु जी हैं, जिनसे कभी जीवन में आपने कोई सत्कर्म किया होगा, परामर्श लिया होगा, उनको जो है कुछ ना कुछ विशेष अक्षय तृतीया के दिन दान करके देना चाहिए अथवा आजकल तो ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बंधु, दान और दक्षिणा प्रयत्न करके उसी दिन देना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। अगर हम दक्षिणा अगले दिन देते हैं तो उसको हमें डबल देना चाहिए, अगर हम तीसरे दिन देते हैं तो हमारा 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, इसलिए जो भी भगवान ने दिया है वो उस रूप में हमें तत्काल दे देना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा, दीन दुखियों के लिए अधिक से अधिक खिलाना पिलाना देना, ये सब काम भी करते ही भगवान के नाम का जाप कर सकते हैं। एक बात मैं और कहूंगा, बंधुओं, कहने के तो हम मनुष्य बहुत बुद्धिमान हैं, पर हम सभी लोग अहंकार और घमंड में भरे होते हैं, जिसके कारण कभी हम परेशान भी हैं तो अपनों को बोल नहीं पाते हैं। ऐसे में अगर आपको लगता है कोई आपके परिवार का ही व्यक्ति है, कोई आपका रिलेटिव है, दोस्त है, वो परेशान है, तो भी आप बहाने से उसको कुछ ना कुछ कर सकते हैं और अवश्य हमें करना चाहिए। इस दिन का किया हुआ पुण्य कभी भी क्षय नहीं होता है, मैं हजारों बार आप सबसे निवेदन कर चुका हूँ। पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाता है तो भी आपका अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी के दिन का किया हुआ पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए अधिक से अधिक लाभ लीजिए, जिस रूप में भी आप ले सकते हैं इस दिन को मिस मत कीजिए, मनुष्य जीवन पाने का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त कीजिए। लेकिन आपसे मैं चाहूंगा ना आप आलस कीजिए, ना कंजूसी कीजिए, जी भर करके तपस्या कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए और तिजोरी खोल करके दान कीजिए, आगे के लिए अपनी पूरी तिजोरी भर लीजिए। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आप कमेंट कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले, 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 ओम शिव शंकर ब्रह्म बोले बोले।
शंकर हम बोले बोले ओम शिव शंकर हम बोले राम बोले राम बोले